घर में कोई भी नहीं। वो भाग गया राणे। अंधेरा जी, आपको लग रहा है कि आप अपने बेटे को मुसीबत से बचा रही हैं, हकीकत यह है कि आप उसे मुसीबत में फंसा रही हैं। चलो को पकड़ना कोई आसान, खिड़की खोल दी मैंने और उन्हें लगा कि मैं खिड़की से कूदकर भाग गया। बेवकूफ। चलो कम से कम आज की रात तो वापस यहां नहीं आने वाले। नहीं मैं, तुम इंस्पेक्टर बागले को पहले भूल कर रहे हो। वो बहुत तेज है, मेरी मानो तो कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ दो। मॉम वो कितना तेज है उसका एक नमूना आप अभी देख चुकी। मैं प्लीज मेरे लिए कुछ दिनों के लिए यहां से प्लीज ये शहर छोड़। ठीक है मां, शहर तो छोड़ दूंगा लेकिन उस साहिल को नहीं छोड़ूंगा। तेरा भाई क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र है? वो जो कुछ कहे उसे मैं सच मान लू? नानी मां, मेरा यकीन कीजिए, मेरे भैया ने वो सीढ़ी वहां नहीं भेजी। ओ तो क्या सीढ़ी के पांव निकल आए जो वो अपने आप चलकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई? ये सब तेरे भाई का किया था। उस पेशेंट को जरा भी शर्म नहीं आई कि जिस घर ने उसकी माँ को सहारा दिया, उसकी बहन को इस घर में बहू का दर्जा दिया, उसी घर को तबाह करने पे तुला है। इतने सारे एहसानों का ये बदला? नानी माँ प्लीज, आप मेरे भैया पर ये इल्जाम मत लगाइए। क्या क्या कहा तूने? तू मुझे हिदायत देने चली है? मुझे? नानी माँ वो चुप। एक शब्द भी मुंह से निकाला तो इसी वक्त इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। क्या लगी अपने आप को? आदित्य का चेहरा देखकर तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ, पर जैसी लड़की को तो इस घर बहू मानना तो दूर की बात है। और एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर मयंक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसे बेगुनाह होते भी सजा मिल गई, तो तेरी जिंदगी से कम नहीं होगी। किसी लायक नहीं रहेगी तू, समझी? किसी लायक नहीं रहेगी। कैसी हो मंदिरा? मंदिरा नहीं, समधन का। अब हमारा रिश्ता पक्का है। चलो जानकर खुशी हुई कि तुम रिश्तों को जानने लगी हो। क्या करें समधन जी, हालात ही कुछ ऐसे हैं। आपको मेरी तरफ से दो दो मुबारकबाद। अरे, एक दादी बनने की खुशी में और एक नानी बनने की खुशी में। आपको भी बहुत बहुत मुबारक समधन जी। थैंक यू। लेकिन इस खुशी में मुझे थोड़ा दुख भी है। मेरी बहू मां बनने वाली है, इस बात की खबर भी तुम्हें पहले मिल गई। इस बार भी नंबर वन तुम ही रही। अपनी अपनी किस्मत है मंदिरा। किस्मत? लगता है भगवान ने तुम्हारी किस्मत मुझसे थोड़ी देर पहले लिखी है। एनीवेज, तुमने इतना सब कुछ भेज दिया, इस मेहरबानी की क्या जरूरत थी? आप नहीं समझेगी समधन जी, बेटी के बारे में इतनी बड़ी खुशी की बात जानने के बाद बेटी को खाली हाथ तो नहीं विदा करती ना? ठीक कह रही हो तुम। तुम्हारे घर वालों को तो सौगात देने की आदत हो चुकी है। अब देखो ना, तुम तो हमेशा कुछ ना कुछ मुझे सौगात देती आई हो, फिर तुम्हारी बेटी ने मुझे सौगात दी, और अब साहिल। आप मेरी तारीफ कर रही हैं या फिर?
ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं तुमसे शिकायत कर रही हूँ। समधन से शिकायत? ना, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि रिश्ता दोस्ती का हो या दुश्मनी, मैं उसे निभाना अच्छी तरह से जानती हूँ। बस कभी कभी कोई सौगात बुरी लग जाती है, जैसे साहिल की दी गई सौगात। उसने तो मेरे बेटे को मुसीबतों की सौगात दे दी। अब तुम ही बताओ, हमें इस सौगात से खुशी होनी चाहिए या फिर? एक मिनट समझ, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये सौगात साहिल की दी हुई नहीं है, ये मैंने भिजवाई है। समझन, नेकी कर दरिया में डालने की आदत बदलो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये नेक काम साहिल का है। और देखो ना, मैं कितनी मजबूर हूँ कि इस नेकी का एहसान भी नहीं चुका सकती। लेकिन तुम फिक्र मत करो, कभी ना कभी मैं अपनी मजबूरी निकल कर इस एहसान को भी चुका कर दूँगी। सौगात भेजने के लिए तो मंदिरा ने यही सोच रखा है कि पुलिस को दी है, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा है कि एक बार फिर गलत फहमी में पड़ चुकी है। एहसान चुकाने बात कर उसने क्या कहने की कोशिश की है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो एक बार फिर ये क्या बताती हूँ? मैं बताती हूँ किस तरह धोखा दिया है। धोखा? कैसा धोखा? मेरे सामने ये शब्द बोलने की कोशिश कर, मेरा अगर अंदाजा से कोई शिकायत है तो बात करना इससे। बात कर तो क्यों, इससे मैं बात करूं? मुझे इसकी झूठी दोस्ती बर्दाश्त नहीं होती। मैंने कुछ बस अब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। इस तस्वीर की तरह आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से काट कर बेचैनी खत्म। और मुसीबत? मुसीबत और बेचैनी से तो हमारा पुराना रिश्ता है मंदिरा, ये तो वक्त वक्त की बात है। पता कब मुसीबत किसके सामने खड़ी हो जाए? कैसी औरत हो, अपने बेटे की खुशियां कुचल जाने के बाद तुम सपनों में जी रही? भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। तुम्हें लकीरों के सिवा तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, फिर भी तुम जो चाहो मांग सकते हो। हर जन्म में हमेशा हमेशा तुम्हारा साथ। के चेहरे पर कभी ऐसी मौसिकी नहीं देखी। सूरत तो लाखों देखी मगर ऐसी नहीं देखी। अपने प्यार से मिला दे ऐ दोस्त, क्योंकि के चेहरे पर रोशनी नहीं देखी। क्या हुआ? और नहीं तो क्या, ऐसे में डरूंगी नहीं तो और क्या होगा। अरे भाई, यहाँ हमारे और तुम्हारे सिवा है ही कौन? सारे जहाँ से दूर तस्वीर आने में बस हम दो पंछी।
माला गहनों की क्या जरूरत है, असली श्रृंगार जो हमेशा मेरे साथ है। सजू तो किसे दिखाने के लिए, जिसके लिए सजना है उसकी आंखों में पहले से ही बस चुकी है। ये क्या है? शर्म आती है। मैडम, अब मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे कैसी शर्म? वैसे भी ये खुशी तो और अच्छी तरह जाहिर कर। पूर्वा, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा बताओ, इस अनमोल सौगात के बदले में क्या चाहिए? बताऊँ? हाँ, कच्चे आम और इमली। What? हाँ, खाने को बहुत मन करता है। ओके, और कुछ? पूरा, आई लव यू। चाय। अरे छोटी दुल्हन, ये क्या, तुमने क्यों चाय बनाई? मुझे बोल दिया होता, देखो अपना ख्याल रखा करो। बड़ा ख्याल रख रही है अपना, बहुत बात मानती है आपकी। ये किसी की बात नहीं सुनने वाली, अपनी ही मनमानी करेगी, देखना। हाँ, बस क्या होता है बेटा, होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। तो फिर काम करते दाई, वो जेल में होता ना, वो हथकड़ी आकर बांध देते, फिर कुछ नहीं कर पाएगी। देखो बेटा, ये तुम्हारा पहला बच्चा है और पूरा करना चाहिए, काम कम और आराम ज्यादा करना चाहिए। अच्छा, अगर फिर भी बात नहीं मानी तो? तो क्या? तो क्या? तो क्या करूँगी? अब मैं क्या करूँगा? बीवी बोलेगी तो चाय पी लूँगा, और क्या थे? सोच नहीं रहा हूं तनु, यकीन करने की कोशिश कर रहा हूं कि पापा द ग्रेट। अच्छा वैसे एक बात बताओ, लड़का होगा या लड़की होगी? मुझे कैसे पता चलेगा साहिल? तुम्हें तो पता लगेगा ना, तुम माँ हो भाई, माँ बनने वाली। मैं थोड़े ना माँ बनने वाला हूँ, वो किसी को नहीं पता चलता। वेरी सैड। वैसे साहिल, क्या नाम रखेंगे हम? किसका? मेरा। अरे जब हमें ये नहीं पता कि लड़का होगा या लड़की होगी, तो नाम कैसे रखें? वेट। ओके, होने वाले डैडी जी। बोलिए मम्मी जी। आपने पापा बनने की प्रैक्टिस कर ली? पापा बनने की क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती? अरे भाई, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे कि? जैसे कि घोड़ा बनना पड़ता है। अच्छा, घोड़ा? तो घोड़े पे अभी बैठेगा कौन आप? हाँ मम्मी जी, बताता हूँ। I'm really happy.
कोई भी काम आपको नहीं करना है और आज से आपका भी सारा काम हम क्या करेंगे। अच्छा से हमारे बाल भी आप ही। बिल्कुल, आपको बस अपना ख्याल रखना है। ओके ओके। कहाँ जा रहे? यहाँ घर में इतनी मुसीबत आई हुई है, तुम उसे दूर करने के बजाय इस खुशी के लिए उनकी खुशियों में शामिल होने जा रहे हो जिनकी वजह से मुसीबत आई है। नानी माँ, मैं ऐसा नहीं समझता, और इसमें पूर्वा का क्या दोष, मैं इसको क्यों रोकूं? इसकी वजह से ही तो ये सब हुआ है, इसकी वजह से आदित्य का दिमाग खराब हुआ। ना ही आदित्य की जिंदगी में आती, ना ही मयंक गिरफ्तार होता। जब से हमारे घर में आई है, हमारे घर में मुसीबत हर टूट पड़ा है, और तुम भी इसके कहने में आ गए। क्या तुम्हें पता नहीं पुलिस को दुश्मन की लड़की, इसे कोई भी बहू माने, लेकिन मैं बहू मानने के लिए तैयार नहीं हूं। खुशियां डाल दीजिए, वरना वरना उस घर का जीना भी हराम हो जाएगा। भैया, मेरा घर ही उजड़ जाएगा। बस एक बार मुझे मेरी दे दीजिए, अपनी छोटी बहन पर बस एक मेहर कर दीजिए। यूं समझ लेना कि आपने एक बार में ही अपनी इस बहन को हर राखी की कीमत दे दी। मेरा घर टूटने से बचा लीजिए।